You know what, रेहान, अम्मी सही कहती है। अपने शहर में लौट आना ऐसा लगता है कि अपनी माँ की गोद में लौट आए। It's a beautiful feeling. Mr. Saxena, I completely forgot about him. Good afternoon, Mrs. Saxena. आप एक काम कीजिए, लैंड के रजिस्ट्रेशन पेपर्स और लीज के पेपर्स आप मुझे मेल कीजिए और लीज की डॉक्यूमेंट्स जो है just send it to me ASAP. हाँ, मैं बस अभी ऑफिस पहुंच ही रहा हूं। All right? Excellent, thank you. आहिल भाई, आहिल भाई, आहिल भाई, बड़ी अम्मी ठीक कहती। क्या ठीक कहती? कि मेहंदी का रंग जितना अच्छा गाढ़ा चढ़ता है, होने वाले शौहर से उतनी मोहब्बत ज्यादा होती। कुछ भी हाँ, ऐसे सिर्फ ख्वाबों में होता है, ऐसा कुछ नहीं। समझाया था ना उस दिन, सिर्फ फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में और बस किस्से कहानियों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। बदतमीज। और वैसे भी अच्छे घरों की लड़कियां निकाह से पहले ऐसे प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं करती। फिल्मी है ना वैसे, कुछ नहीं हो रहा। और जैसा तू कह रही है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ऐसा नहीं तो कैसा हो रहा है? सवाल बहुत पूछ दिया। ठीक है, मैं तुझे बताती हूँ। मैं जैसे जैसे अनवर के और करीब आती जा रही हूँ, उतनी उनके लिए मेरे दिल में इज्जत बढ़ रही है। दिल के बड़े अच्छे नेक दिल इंसान होता है ना वैसे। आहिल भाई, क्या हुआ? आहिल भाई, आपको ये क्या हो जाता है? आपकी शख्सियत एकदम से बदल जाती है, आपकी जबान लड़खड़ाने लगती है, आप नर्वस हो जाते हो। आहिल भाई, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे नहीं बता रहे? कितनी बार तुमसे कहा मुझसे सवाल मत पूछो। डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन अगेन। और भाई मत बुलाना, अंडरस्टैंड दैट? भाई बुलाते हो मुझे? सिर्फ भाई बुलाने से भाई नहीं बनता। तुम नौकर और नौकर की हद में रहो। यू गेट दैट? यहाँ भी ये पेपर्स? ये मेरे घर के पेपर्स हैं। मैंने बताया था ना कि ढाबे की जमीन से हमें पूरा लोन नहीं मिल सकता, तो हमें कुछ ना कुछ और गिरवी रखना पड़ेगा। अल्लाह माफ करे, हम ऐसा नहीं कर सकते बेटा। नहीं,
लड़के वाले हो, तुमसे तो ये सब हम नहीं करवा सकते सनम। लेकिन बड़ी अम्मी। नहीं बेटा, मेरे पास मेरे पास कुछ जेवरात हैं, मैं वो लेकर आती हूँ, हम उन्हें गिरवी रख सकते हैं, ठीक है? नहीं बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी वो पुश्तैनी जेवर है, पैसे कैसे उन्हें गिरवी रख सकती है? मेरे बच्चे, मेरे जेवरात तो तुम लोग हो, मैं तो तुम्ही से सज जाती हूँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। इन्हें गिरवी रख दो। अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हमें लोन मिल जाएगा। अनवर, तुम जो कर रहे हो ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये जेवर और पेपर्स लेके बैंक जाता हूँ, आप फिक्र ना करें। क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अरे जो मेरा है वो तेरा ही तो है। अब तू रो मत और ना ही मुझे रुला। कल तेरा निकाह है सनम, और मुझे तेरी रुखसती पे बहुत रोना है। मिस्टर मल्होत्रा, ऑल द पेपर्स आर इन ऑर्डर। आपकी कंपनी के साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? या? यस सर। वैसे पेपर्स तो तैयार है सर, सिर्फ आपकी दस्तखत की जरूरत है एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। अरे भाई, कुछ मिठाई चाय कॉफी मंगाओ, इतनी बड़ी डील फाइनल हो रही है। एक्सक्यूज मी। हेलो अम्मी, आपका फोन अभी 4 भी नहीं बजे है, सब खैरियत तो है? उन कागजात पर दस्तखत मत करना। जी अम्मी, खुदा हाफिज। ये डील नहीं हो सकती। व्हाट? मैंने कहा ये डील नहीं हो सकती। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी अभी एक मिनट पहले तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार थे ना, वो किसका फोन आया था? देखिए मिस्टर आहिल, आप इस तरह अपने कमिटमेंट से पलट नहीं सकते। मैं पलट चुका हूं। मिस्टर आहिल, आप शायद जानते नहीं कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। ये ना आपको बहुत महंगी पड़ेगी। आहिल रजा इब्राहिम ने जो एक बार फैसला कर लिया तो वो फायदा और नुकसान नहीं देखता। आपको जो करना है वो कर लीजिए। रेहान, लेट्स गो। आहिल भाई, बेगम साहिबा का फोन था, पर आप तो दस्तखत करने को तैयार थे और आपको शर्तें भी मंजूर थी, फिर क्या हुआ? You know what, Rehan Mia? मेरी जिंदगी में होने के लिए हर चीज की सिर्फ एक ही शर्त है, अम्मी उससे खुश होनी चाहिए, पीरियड। उन्होंने मना कर दिया? हाँ, और उनकी जुबान से निकला हर लफ्ज मेरे लिए पत्थर की लकीर है। और फिर उनके ना के बाद मुझे उस ना की वजह जानने की जरूरत नहीं पड़ती। That's it. On that note, let's do coffee. आप जाइए, मेरा दिल नहीं कर रहा। अभी भी उस बात को लेकर नाराज हो रेहान मिया? रेहान,
तो जानता है ना, मेरे मूड स्विंग्स को भी जानते हो। तुम्हें पता है कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ। But there's one thing good about me. गुस्सा जितना जल्दी आता है, उतना ही जल्दी उतर भी जाता है। So you gotta forgive and forget and move on. Now come on, cheer up, okay? अच्छा बता, तेरा मूड ठीक करने के लिए क्या करूँ मैं? Tell me, what can I do? तुझे ये घड़ी पसंद? I'm sure you will like. आहिल भाई नहीं। रेहान, ये घड़ी तुम्हारी। Just look at it. It's beautiful. बहुत expensive है आहिल। रेहान, रेहान ये घड़ी नहीं, ये वक्त है। और वक्त की अहमियत ठुकराया नहीं जाता, क्योंकि जिसने वक्त को ठुकराया, वक्त ने उसे ठुकराया। You don't respect time. Time don't respect you. Look at that. Girls are gonna love it. Wait, excuse me. Hello, baby. मेरी तो जिंदगी ही बेगम साहिबा का दिया हुआ तोहफा है आहिल भाई, और मैंने उनसे वादा किया था कि आपका साथ साया बनकर रहूंगा। साया को साथ रहने के लिए किसी इनाम की जरूरत नहीं होती। हया, ये सिर्फ एक रात नहीं है, ये मेरी इस घर में आखिरी रात है। कल मैं पराई हो जाऊंगी। ऐसे क्या अफसोस कर रही है? तू तो ऐसे गम खा रही है जैसे मैं निकाह के बाद चाइना जा रही। चाइना? दो गली छोड़ के तो मेरा ससुराल है, दिन के तीन चक्कर लगाया करूंगी समझी, और तुझ पे तो पूरी नजर रखूंगी समझी, तेरी एक एक चीज पे। कहीं फिर से तूने वो जॉन इब्राहिम के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए तो? अच्छा चल लगा लेना, लेकिन पूरे कपड़े वाले। बहुत याद आएगी है। कितनी अजीब होती है ना लड़कियां, हंसती हैं तो भी काजल भीग जाता। रात को चांद के साथ बातें करना मिस करेगी? मैं भी। असद जोया, कल तुम्हारी बेटी का निकाह है। तुम लोग होते तो कितनी शान से निकाह करते, जैसी परवरिश तुम देते वैसे तो मैं नहीं दे पाई, लेकिन तुम्हारी जमानत को सीने से लगा कर रखा है मैंने। सनम, हया, ये दोनों मेरी दो आंखें हैं। सहज जिंदा होती तो सनम जितनी ही बड़ी होती। दोनों जुड़वा बहनों का निकाह एक साथ कराती मैं, पर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। इस खानदान ने बहुत से गम उठाए हैं परवरदिगार, अब बस इन बच्चों पर रहम कर, जो इनके लिए सही है वही करना।
अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। सनम आपके यहाँ? एक्चुअली अनवर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। अनवर शायद बड़ी अम्मी आपसे कभी ये बात ना कर पाए, लेकिन मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि हम स्वागत की रस्म नहीं कर पाएंगे। मतलब हम आपको या आपके रिश्तेदारों को तोहफे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि क्योंकि यकीन मानिए अनवर बड़ी अम्मी बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही हैं अपनी हैसियत से ज़्यादा, और निकाह पे इतना पैसा लग गया कि अब मुझे लगता है कि मैं उन पर और बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। बस यही कहने आई थी मैं। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना यही बताने में आपके पास आने वाला था। सनम इस सब दिखावे पर पैसे खर्चने की कोई जरूरत नहीं है, इस वक्त एक एक पैसा बचाने की जरूरत है ताकि ढाबा दोबारा शुरू हो सके। आप मेरी अम्मी की फिक्र ना करें, मैं उन्हें सब समझा दूंगा कि ये पैसा उन्हें ही मिलने वाला है। बस ढाबा एक बार शुरू हो जाए तो ढाबे की कमाई तो घर ही आएगी। जी? ढाबे की कमाई तो बड़ी अम्मी और हाया की रहेगी ना? मतलब? ढाबा एक महीने में दोबारा शुरू हो जाएगा, उसके बाद वही तो एक जरिया बचेगा बड़ी अम्मी और हाया की कमाई का। ये बात तो मैंने आपसे की थी ना अनवर, क्योंकि देखिए ना मेरे जाने के बाद घर पे कमाने वाला कोई बचेगा नहीं, तो बड़ी अम्मी और हाया को किसी ना किसी तरह तो घर चलाना ही है, ढाबे की कमाई से ही घर चलेगा उनका। आपको कोई एतराज नहीं है ना? नहीं नहीं, अब ढाबा आपका है, जो चाहे करें। अब मैं तो बस ये सोच रहा था कि, खैर छोड़ो, मैं जो सोच रहा हूं उसे क्या फर्क पड़ता है, और ये सौगात की रस्म करने की कोई जरूरत नहीं है। भाजी जल्दी चलो, देर हो रही है। ठीक है अनवर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते अनवर, आपने मेरा कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह। चांद का टुकड़ा नहीं लग रहे, चांद लग रही हूँ। सनम अहमद खान बिनते मरहूम असद अहमद खान, आपका निकाह अनवर खान वल्द ताहिर खान 50,001 बमहर सिक्के राजुल वक्त तय किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है।
आपको कबूल है? कबूल है। माशाल्लाह, मुबारक हो। अनवर खान वल्द ताहिर खान, आपका निकाह सनम अहमद खान बिनत असद अहमद खान 50,001 सिक्के राजुल वक्त तय किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। बोलिए, कबूल है। हमें ये निकाह कबूल नहीं है, कबूल नहीं है।